तो दोस्तों बहुत सारे लोग का कमेंट आता है, सर लैंग्वेजेस का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से किया जाए। अभी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आ चुका है, 9th और 10th वाले ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं यहाँ पर 21 लेकर रखा हूँ और अच्छी तरीके से सब कुछ बताऊंगा। बहुत सारे लोग होंगे जो तुरंत का तुरंत वीडियो छोड़ के चले गए रहेंगे, तो मेरे भाई उन सबको इसकी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है तो वीडियो देखो, नहीं ज़रूरत हो तो मत वीडियो देखो। मैं पहले से आप लोग को बता के रखता हूँ कि आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम जा रहे थे उसके लिए तो और खास होने वाला है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेना। सबसे पहले आप लोग को यहां पर आता है क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस आप लोग को इस वीडियो को जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा रहे तो फटाफट एक एक कमेंट कर देना, सर कैसा लगा वीडियो, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले आप लोग यहां पर देखोगे किस तरीके से आप लोग एग्जाम में आएगा और प्लस कहां से आप लोग को क्या चीज करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा क्लास 9th और 10th का, दोनों का सेम टू सेम पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, इंग्लिश का। और देखोगे यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 1 जो आएगा उसमें आप लोग का लैंग्वेज स्टडी रहता है, जिसको हम लोग डू वर्ड्स डायरेक्ट बोलते हैं। याद रखना, लैंग्वेज स्टडी का डू वर्ड्स डायरेक्ट भी बोला जाता है। तो 10 नंबर के लिए आएगा, सर उसको कहाँ से करूँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहाँ पर डूएस डायरेक्ट पूरा 36 पार्ट मिलेगा एक वीडियो के अंदर, उसको अगर देख लेते हो तो आप लोग इजीली एयर डूएस डायरेक्ट और जो लैंग्वेज स्टडी हो ईजिली आप लोग का कवर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोग का फिक्स हो जाएगा 100% में बोलता हूँ वो वीडियो देखने के बाद। बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे कि आप कैसे, आपको कैसे मालूम कि वही क्वेश्चन आएगा। मेरे भाई पहले से आप लोग को बता दूं कि वो जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, पूरा एनालिसिस करने का तब बना रहा हूँ कि किस तरीके से, और खुद का क्लासेस में बैठा हूँ, खुद के क्लासेस में, इसके लिए बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेना। अगर ज़रूरी हो तब देखना, नहीं तो मत देखना मेरे भाई, पहले से आपको बता रहा हूँ। अब आएगा लैंग्वेज स्टडी का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके देख सकते हो जिसको ज़रूरत है वो, और अच्छी तरीके से अगर नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। अब उसके बाद आता है टेक्सुअल, जो सेक्शन 2 आएगा टेक्सुअल पैसेज रहेगा। टेक्सुअल पैसेज का मीनिंग होता है आप लोग का टेक्स्ट बुक का पैसेज रहेगा, और इसमें 2 पैसेज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में, सेक्शन 2 में टेक्सुअल पैसेज रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे ए और बी, क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का ए और बी, दोनों टेक्सुअल पैसेज रहेंगे, दोनों 10 नंबर के लिए रहने वाले, कितने 10-10 मार्क के लिए रहने वाले। जस्ट आप लोग को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी के फॉर्म में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं आता कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसके अंदर से ढूंढ के लिखना, सिर्फ एक्टिविटी के फॉर्म में रहेंगे, प्लस एक पर्सनल रिस्पॉन्स करके आता है उसको आप लोग अच्छी तरीके से उसी के रिलेटेड आप लोग को 2 से 3 लाइन में आप लोग को लिखना रहता है। इस तरीके से हो गया। एंड सेक्शन जो थर्ड रहेगा, थर्ड वाला आप लोग को इजीली यहाँ पर एक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा, पोएट्री का सेक्शन होता है सेक्शन 3। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 ए रहेगा वो पोयम का एक्सटेंजा रहेगा, उसके रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए, एंड वो भी टेक्स्ट आप लोग के बुक का ही रहने वाला। एंड बी वाला जो रहेगा अप्रिसिएशन रहेगा, यूनिट 1 यूनिट 2 ही जस्ट आ रहा है तो आप लोग दोनों दो रहेगा, अच्छी तरीके से याद कर सकते हो अप्रिसिएशन और पोयम का नाम और यहाँ पोइट्री का नाम, दोनों को अच्छी तरीके से मेंशन किया रहता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेट में ही बना के लिखना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है सेक्शन जो आप लोगों को चौथा वाला है, इसमें क्या रहता है क्वेश्चन 4 ए वाला जो रहेगा नॉन टेक्सुअल पैसेज रहेगा, आपके बुक का नहीं रहेगा। अब बोलोगे ए कहाँ से आने वाला है, तो मेरे भाई ये आप लोग को अच्छी तरीके समझ के लेना कि आप लोगों का पैराग्राफ जस्ट दिया रहेगा, उसके अंदर से आप लोगों को ढूंढ के जस्ट आंसर लिखना है, एक्टिविटी के माध्यम से ही ज़्यादा क्वेश्चन से रहने वाले। ए रहेगा 10 नंबर के लिए। एंड जो क्वेश्चन है 4 के बी रहेगा और शॉर्ट समरी लिखना रहेगा, बट किसका शॉर्ट समरी, बहुत सारे लोग तो यही नहीं जान पाते किस तरीके से समरी को लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 ए है उसमें 3 से 4 पैराग्राफ दिया रहेगा, 3 से 4 पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको कन्वर्ट कितने में करना है, सिर्फ 2 पैराग्राफ में उस चीज़ को कन्वर्ट करना, और इजिली आप लोग को 2 पैराग्राफ में बना देना है। याद रखना आप लोग को 5 में से इजिली 4.5 नंबर इजिली मिल जाएगा अगर 2 पैराग्राफ इजिली बना देते हो। एंड अब उसके बाद आ जाता है आप लोग को यहाँ पर जो सेक्शन आप लोग को 5वां है ए, यहाँ से राइटिंग स्किल स्टार्ट होता है।
और राइटिंग स्किल का मैं लास्ट में बताऊंगा कहां पर इसका पूरा पूरा वीडियो मिलने वाला है, वो चीज़ देख लिया आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मैं जितना अच्छी तरीके से आप लोग को बताता हूँ उतना कोई नहीं बताता, बट आप लोग ना हम लोग का वीडियो अच्छी तरीके से देखते नहीं, थोड़ा सा देख के जाओगे फिर कमेंट क्यों करते हो मेरे को मालूम है, क्योंकि हमारे अभी सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है। अगर जिस दिन बड़े हो जाएंगे सब्सक्राइबर बेस, उस दिन आप लोग का जो मुंह खुलता है वो बंद हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और जो छोटा रहता है ना उसको बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उसका टेंशन मेरे को नहीं है, हो जाएगा मेरे भाई आज नहीं कल अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। आप लोग फिर आके देखना, तो कोई भी चीज़ आप कमेंट करने से पहले एक बार सोचोगे, याद रखना। अब यहाँ से सबसे पहले जो सेक्शन आप लोगों का पाँचवा दिया गया है राइटिंग स्किल का, राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग आएगा क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा राइटिंग स्किल रहेगा आप लोगों का, लेटर राइटिंग पाँच नंबर के लिए आएगा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। मैं पहले से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों का फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करना। अब ये वीडियो कहाँ मिलने वाला वो सब बताऊँगा लास्ट में, पाँच नंबर के लिए होने वाला है। एंड आप लोगों को क्वेश्चन इसी सेक्शन जो पाँचवा है उसी में क्वेश्चन नंबर सिक्स भी है, ए एंड बी, ए में दो क्वेश्चन है, बी में दो क्वेश्चन है, और दोनों पाँच पाँच मार्क के लिए होने वाले आप लोग के एग्जाम में। क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का, ए वाले में आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल जाना है, कैसे वर्बल टू नॉन वर्बल में जाना है और नॉन वर्बल टू वर्बल में जाना है। अब नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब एक ट्री डायग्राम दिया रहेगा, उसको आप लोगों को पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाना रहेगा, और यहाँ पर वर्बल टू नॉन वर्बल में जाना रहेगा। सिंपल तरीका क्या किया रहेगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसको आप लोग को ईजिली ट्री डायग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा। तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, अगर यहाँ पर वर्बल टू नॉन वर्बल में अगर नीचे मेंशन किया गया, वो पहले से फ्लो चार्ट बना के दिया, नेमिंग क्रिएचर करना है या तो नाम लिखना है, अगर वो सब करना है कि कब बना कब नहीं बना, कितने लोग इसमें शामिल हुए थे, कितने वर्ग, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता तो इस क्वेश्चन को अटैम्प कर सकते हो वर्बल टू नॉन वर्बल। अदरवाइज आप लोग ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता, तो मैं एक ही सजेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए और करके दिया नॉन वर्बल टू वर्बल ओ करना, क्योंकि वो ट्री डायग्राम में दिया रहेगा, जस्ट उसको आप लोग को पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाना रहेगा, वो चीज़ अटेम्प्ट कर लेना। बहुत सारे लोग देख चले गए रहेंगे वीडियो छोड़ के, मैं पहले से आप लोग को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो उनके लायक नहीं था, क्योंकि उनको बस क्या चाहिए, बहुत सारे आते हैं कि सर आपको कैसे मालूम कि ये पेपर में आएगा। मेरे भाई बार बार क्वेश्चन आप देखो ना, बार बार जो रिपीट हुआ वो क्वेश्चन में दिया हूँ, बार बार क्वेश्चन उसको देख के करो। अब यहाँ पर आता है देखो, बी वाला जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी वाला रहेगा, व्यू काउंटर व्यू रहेगा और करके दिया है ड्राफ्टिंग स्पीच। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, स्पीच राइटिंग ही में आप लोग क्या करना है, लिखना स्पीच राइटिंग, आप लोग इजिली स्पीच राइटिंग मीन्स कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग को ये सब कहाँ राइटिंग सेक्शन जो राइटिंग स्किल का वो सब कहाँ मिलेगा वो लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। अब आता है सेक्शन जो आप लोग को यहाँ पर छठवां दिया गया, सेक्शन छठवें में क्वेश्चन नंबर सेवन रहता है, ए एंड बी करके रहता है, बट ए वाले में दो क्वेश्चन बी वाले में दो क्वेश्चन रहता है। अब ए वाला जो एक्सपांड थीम करके दिया रहता है और एक क्या रहता है न्यूज़ रिपोर्ट रहता है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग एक्सपांड थीम मत करना, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो कर सकते हो, बट मैं एक ही सजेस्ट करूँगा न्यूज़ रिपोर्ट करना, न्यूज़ रिपोर्ट इजीली आप लोग को हो जाएगा, और कैसे लिखना है उस सब वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, उस वीडियो को देख लेना, इजीली आप लोग का कवर हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा पाँच मार्क के लिए। एंड बी वाला जो रहेगा सेक्शन सिक्स का बी वाला, उसमें एक स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी रहेगा और एक क्या रहेगा नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस, याद रखना। तो मैं इससे से बोलूँगा इससे से स्टोरी मत, ज़्यादा स्टोरी फोकस मत करो मेरे भाई, नरेट करने वाला रह सकता है, टाइम इज मनी और ड्रीम वाला ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आप लोग पाँच नंबर में कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग का पूरा 80 मार्क का जो था वो चीज़ मैं बता दिया, और ये जो राइटिंग स्किल का है सेक्शन और आप लोग का डू एज डायरेक्ट का वो कहाँ पर वीडियो एटलीस्ट मिलने वाला है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ से आप लोग इजिली कर लेना, आप लोग का पूरा पूरा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। बस उस दोनों वीडियो को देख लिया आप लोग का यहाँ पर राइटिंग स्किल प्लस डू एज डायरेक्ट आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग का पूरा 100% आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और
आप लोगों को अदर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए फटाफट आप लोग को कमेंट करना है, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।